हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 सॉल्यूशन। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? अब देखिए, आपको बताना है कि नंबर क्या है आपके पास। तो जो नंबर आपको बताना है वो आप लेट करेंगे। लेट द नंबर इज वाई। लेट आपने क्या किया? वाई। अब देखिए, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर क्या है आपके पास? वाई। एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। फ्रॉम इट कौन सा? फ्रॉम वाई। अब देखिए, ये आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रॉम इट है, यानी फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो पहले नोट करते हैं, और इट मीन्स क्या है? दिस नंबर वाई। सो आप इसको कैसे नोट करेंगे? वाई, ये नंबर आपके पास वाई माइनस 5/2, ये आप इसको नोट करेंगे। तो यहां आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं कि आपने 5/2 माइनस किया है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? अब आप बोलेंगे क्या इनको माइनस कर सकते हैं? नहीं। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कितने से किया है? 8 से। ये आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, जो आपके पास अब रिजल्ट आया है वो क्या है? 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स है ये। 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स है ये, तो उसके इक्वल है। व्हाट इज द नंबर? अब आप इसकी वैल्यू इजिली बता पाएंगे। इसको सोल्व करना है, सो यू विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 8 मल्टीप्लाई बाय वाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। 8 वाई माइनस 8 को करना है, 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3 वाई। 2 1 जा 2 4 जा, ये क्या है आपके पास? 8 वाई माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3y. Now we will write transposing minus 20 to right hand side and 3y to left hand side. ये आप अपने आप नोट करेंगे। 8y minus 3y, 3y को आपने माइनस किया, इज इक्वल टू 20। अब देखिए 20 माइनस है, जब आप ट्रांसपोजिंग करोगे तो प्लस हो जाएगा। 8y minus 3y दैट इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 20। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू 20, ये था y इक्वल टू 20y 5। 5 4 जा 20 मीन्स आपके पास नंबर क्या आया? तो लास्ट में आप लिखेंगे, सो द नंबर अमीना थॉट इज इक्वल टू 4, और ये लिखना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये आप अपने आप नोट करेंगे लास्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? अब क्वेश्चन देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब आपको अगर ये लेट करना हो कि नंबर कौन सा होगा, तो आप कौन सा करेंगे इसमें? देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर लेट करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो टाइम्स होता है, टाइम्स के राइट हैंड साइड में आपके पास जो भी आया वो आप लेट करेंगे। सो टाइम के राइट हैंड साइड में क्या है? अनदर नंबर। तो आप लेट क्या करेंगे? अनदर नंबर आप करेंगे, लेट द अनदर नंबर, लेट द
अनदर नंबर इज वाई, ये आपने वाई किया। अब उसके बाद देखिए, अब पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स, तो पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या होगा, अ पॉजिटिव नंबर क्या होगा, फाइव टाइम्स यानी फाइव मल्टीप्लाई बाय, फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई दैट इज फाइव वाई। अब उसके बाद देखिए, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मींस आपको दोनों नंबर्स में ये एड करना है, तो अब आप यहां करिए आफ्टर एडिंग 21 क्या द अनदर नंबर, अनदर नंबर आपके पास क्या बनेगा, y ऑलरेडी था ये, इसमें आपको 21 ऐड करना है, ये हो गया। फिर अपोजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में भी आप ऐड करेंगे 5y प्लस 21, ठीक है। अब देखिए क्या है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, 80Q, वन ऑफ द न्यू नंबर यानी एक आपके पास y प्लस 21 है और दूसरा आपके पास 5y प्लस 21 है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर यानी एक दूसरे का टू टाइम्स है, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे या इधर करेंगे, लेफ्ट में या राइट में। देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं, ये वाई है, ये फाइव वाई है, यानी फाइव को मल्टीप्लाई किया है। जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो ग्रेटर हो जाता है, तो ये नंबर आपके पास ऑलरेडी ग्रेटर है 21 ऐड करने के बाद, 21 ऐड करने के बाद ये वाला नंबर आपके पास ऑलरेडी ग्रेटर है, तो आप कौन से वाले में मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वल टू पुट कर दिया है। जब आप इक्वल टू पुट कर रहे हो मींस ये दोनों नंबर आपको इक्वल बनाने हैं, इक्वल बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई किधर करोगे, अब जो स्मॉलर नंबर है, और स्मॉलर कौन सा है, वाई प्लस 21, और कहां से पता चला, यहां से, क्योंकि ये 5y हो गया था। तो आप मल्टीप्लाई कहां करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, कितने से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस यानी टू से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपके पास क्या आएगा, 21, इसको मैं इधर बताती हूं, ये होगा आपके पास 2 इंटू वाई, टू वाई प्लस 2 इंटू 21 दैट इज 42 इज इक्वल टू 5y प्लस 21। अब इसमें देखिए ट्रांसपोजिंग करेंगे, वो वाली लाइन आप अपने आप नोट करेंगे, 2y माइनस ये 5y है, इसको आप ट्रांसपोजिंग करोगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 21 एज इट इज। नाउ यू विल ट्रांसपोज 42, दैट विल बिकम माइनस, माइनस ऑफ 42। अब इसको माइनस करिए, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो ये आपके पास आएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 21। इधर भी माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस है। अब इसमें देखिए माइनस माइनस ही कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 21 बाय 3, क्योंकि 3y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड होगा, 3 7 जा मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 7। अब यहां पे आप लास्ट में नोट करेंगे, क्या यहां पे नहीं करना है, यहां पे आप नोट करेंगे, सो द अनदर नंबर इज, अनदर नंबर इक्वल टू 7 एंड द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या होगा, 5 इंटू वाई है मीन्स 5 इंटू 7 दैट इज 35। दिस इज योर आंसर। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर है जिनमें डिजिट का सम 9 है,
व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है. वॉट इज द टू डिजिट नंबर, आपको टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए अगर जहां भी आपको टू डिजिट नंबर मिलते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स एज इट इज रहते हैं हर क्वेश्चन में. मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होता है. तो इसमें आप लेट करेंगे, लेट द वंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इक्वल टू y. ये आपने लेट किया कि जो वंस प्लेस है वो y है. अब देखिए टू डिजिट है जिनका सम कितना है 9, ये आपको बता दिया गया है पहले से ही. तो जब आप इसको दूसरी डिजिट को फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, जो अनदर प्लेस होगा टेंस प्लेस, क्योंकि टू डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस होगा, वो आपके पास क्या आएगा, सम आपके पास 9 है, 9 में से अगर आप वंस प्लेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास टेंस प्लेस आ जाएगा ये. सो ये क्या होगा 9 - y, ये आपके पास टेंस प्लेस. देखिए कैसे बताया मैंने, वंस को आपने y लेट किया तो टेंस प्लेस क्या होगा 9 - y, ये टेंस प्लेस की डिजिट होगी क्योंकि सम आपको गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर कैसे फॉर्म होगा आपके पास. अब आप लोगों को सेवेंथ क्लास में सिक्स क्लास में हम एक्सपेंडेड फॉर्म कराते हैं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म करते हो वहां पे आपको पता चलता है क्या, कि अगर आपको 526 को एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट करना है तो आप इसको कैसे करते हैं, 5 × 100 क्योंकि ये 100 का प्लेस है, 2 × 10 क्योंकि ये टेंस का प्लेस है, और 6 × 1 क्योंकि ये वंस का प्लेस है. ऐसे आप करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. अब वो एक्सपेंडेड फॉर्म आप यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, जो वंस प्लेस है नंबर कैसे फॉर्म होगा. अगर मैंने आपसे पूछा कि 26 कैसे बना तो आप क्या बोलोगे, 20 + 6 यानी 2 × 10 + 6 × 1, आप ऐसे करते हैं ना. तो यहाँ पे नंबर क्या फॉर्म होगा, आप या तो इसको मैं बोलूंगी रट लो कि जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास वंस प्लेस है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, प्लस जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए. टेन प्लेस क्या आपके पास 9 - y, तो 9 - y इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. ठीक है, तो ये आपके पास नंबर फॉर्म हो जाएगा. अब इसको सोल्व भी करना है, ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे. अभी आपके पास कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करोगे, 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक बार 9 के साथ, फिर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, y प्लस 9 × 10 करोगे तो 90 हो जाएगा, y को जब 10 से करोगे तो -10y. अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -10y और प्लस y, तो ये आपके पास आएगा 90 एज इट इज -9y. ठीक है, ये आपके पास नंबर फॉर्म हो गया. अब देखिए उसके बाद क्या है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट को, जैसे मान लो आपके पास नंबर 26 था, आपने फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 62. ठीक है, तो यहां पे आप नोट करोगे इंटरचेंजिंग द डिजिट, वंस प्लेस अब क्या होगा आपके पास, वंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इक्वल टू, अब क्या होगा, इंटरचेंज कर दिया आपने, यानी जो वंस की थी वो अब टेंस की बन गई और जो टेंस की थी वो वन की, तो वंस प्लेस लिख रहे हैं मीन्स आपको 10 की यूज करनी है, 9 - y. टेंस प्लेस क्या होगा, जो आपकी वंस की थी यानी y. अब यहां से नंबर क्या फॉर्म होगा आपके पास, नंबर बताइए, नंबर ऐसे ही फॉर्म करेंगे, जो आपके पास वंस प्लेस है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आएगा ये,
और जो टेंस प्लेस है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस प्लेस क्या है? वाई, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये अब क्या होगा 9 माइनस वाई प्लस 10 वाई, ये आपके पास क्या आएगा 9 माइनस 10 वाई माइनस वाई 9 वाई, ये आपके पास प्लस का होगा प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, कि ये वाला जो न्यू नंबर है ये इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर्स को हम इक्वल टू में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल टू रखिए, 90 माइनस 9y इज इक्वल टू 9 प्लस 9y, ठीक है। अब जो ओरिजिनल नंबर है उससे ये वाला नंबर ग्रेटर है, जो न्यू नंबर है ये नंबर ये ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो आप किधर करेंगे ऐड, अगर ये ग्रेटर है तो आप इसमें तो ऐड करोगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें ऐड किया तो इक्वल टू का साइन लगाया आपने बीच में, और बीच में अगर इक्वल टू का साइन है मीन्स दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इधर आप ऐड कर ही नहीं सकते, किधर करोगे, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 90 माइनस इन दोनों को ऐड करिए, ये आपके पास आएगा 117 इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस 9 भी करना है, माइनस 9 इज इक्वल टू 9y एज इट इज, और माइनस 9y ही उसको आप उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 9y, ठीक है, जो कि आपके पास आएगा इसमें से 9 अगर आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 108 इक्वल टू 18y, ठीक है। अब इसको आप यहां पे सॉल्व करिए, इसको आप यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, 108 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू वाई, 18 सिक्स जा 108, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। अब आप लास्ट में इसको करेंगे यहां तक, ठीक है, वाई की वैल्यू 6 आ गई, ये टेंस प्लेस क्या आएगा 9 माइनस वाई, यानी 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, ये आपके पास 3 आ गया, तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, टू डिजिट नंबर आपके पास है जिसमें से एक डिजिट दूसरी डिजिट की 3 टाइम्स है, ठीक है, तो जहां भी टू डिजिट नंबर आपके पास आएगा तो आपको ये सब तो करना ही है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही है कि टू डिजिट नंबर जहां भी आएगा वहां पे आपको वंस प्लेस लोगे, फिर टेंस प्लेस लोगे, और फिर आपको नंबर फॉर्म करना होता है। अगर आपके पास इंटरचेंजिंग द डिजिट है तो इंटरचेंजिंग द डिजिट करके यहां तक आपको हर क्वेश्चन में करना होगा, और अगर आप एग्जाम में यहां तक करके आते हैं तो आपको कुछ तो मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, 1 मार्क्स तो आई होप मिल ही जाएगा इसमें, तो इसके लिए देखिए ये ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे छोड़ के आ गए और टीचर आपको 1 मार्क्स दे देंगे, ऐसे भी नहीं होगा, आपको लिखना होगा इसमें। अब देखिए अगर एक डिजिट हम लेट कर लेते हैं वाई, तो अदर आपके पास क्या होगी 3 टाइम्स द अदर डिजिट, अदर आपके पास क्या होगी 3 टाइम्स होगी, यानी 3y। अब इससे आपके पास नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर है ये आपके पास, तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या आएगा, वंस प्लेस को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टेंस प्लेस को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए इंटू 10, ये आपके पास देखिए कितना आएगा 3y इंटू 10 30y प्लस y इक्वल टू 31y, ठीक है। देन आपके पास क्या है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, अब अभी आपके पास क्या बनेगा, जो वंस प्लेस है वो 3y हो जाएगा, जो टेंस था वो वंस बन गया, और जो वंस है वो
टेंस बन जाएगा, यानी ये वाई हो गया। अब यहां से आपके पास नंबर क्या बनेगा, ये न्यू नंबर हो गया। न्यू नंबर कैसे बनेगा, थ्री वाई वंस प्लेस है, टेंस प्लेस आपके पास क्या है वाई, यानी वाई को आप टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन वाई। नंबर आपके पास क्या बनेगा, टेन वाई प्लस थ्री थर्टीन वाई। अगर आप यहां से देखते हैं तो देखिए इसका, इसकी जो डिजिट है वो रिवर्स हो गई है, इसकी और इसकी देखिए रिवर्स हो गई ना ये। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर आप ओरिजिनल नंबर को और न्यू नंबर को ऐड कर देते हैं तो आपके पास 88 मिलता है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो इजी है बिल्कुल, इसमें आपको ये सोचना ही नहीं है कि किधर ऐड करना है। अब आप दोनों नंबर को इनको ऐड करिए, 31y प्लस 13y, तो आपको क्या मिलता है 88, तो इक्वल टू 88। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 44y इज इक्वल टू 88, यानी y इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू 88 बाय 44, 44 टू जा 88, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू आपको रिटर्न भी करनी है, आप साइड में नहीं करेंगे, यहां नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर नहीं कर रही हूं, आपको नीचे यहां स्पेस होगा तो यहां पे आप करेंगे, यहां पे लास्ट में लिखेंगे, सो द वंस प्लेस ऑफ द टू डिजिट नंबर इक्वल टू 2, और टेंस प्लेस इसमें क्या होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6, और नंबर आपके पास क्या आएगा, 6 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 62। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 31 इंटू 2 करेंगे तब भी 62 आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबूज प्रेजेंट एज। शोबूज की जो माँ की प्रेजेंट एज है वो जो शोबू है उसकी एज की 6 टाइम्स है, यानी अगर आपकी एज 11 इयर्स है तो आपकी जो मदर है उसकी एज आपकी एज की 6 टाइम्स है, यानी 11 इंटू 6 दैट इज 66 इयर्स है। ठीक है, उसके बाद है शोबूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, कि जो 5 साल के बाद एज होगी वो शोबू की मदर की एज की 1/3 होगी शोबू की एज। अब देखते हैं इसमें हमारे पास 6 टाइम्स गिवन है। अब देखिए आपको जो मैंने बताया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, टाइम्स के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको आप लेट करिए, लेट क्या लिखा हुआ है, शोबूज प्रेजेंट एज, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ शोबू इक्वल टू वाई इयर्स, देन मदर की एज क्या होगी, शोबूज मदर्स एज क्या होगी बताइए, 6 टाइम होगी शोबू की एज की, 6 वाई इयर्स, देन शोबूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, आपको समझ नहीं आ रहा कि प्लस करें हम या माइनस करें, तो यहां से देखिए विल बी अगर आपके पास आया है फ्यूचर, यानी आगे आपको बताना है कि 5 साल के बाद क्या होगी, ये नहीं कि 5 साल पहले, तो इसमें आपको विल बी अगर गिवन है तो आप ऐड करेंगे 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी जो प्रेजेंट एज है, मान लो आपकी एज 11 है तो 5 इयर्स के बाद आपकी एज क्या होगी, 16 होगी, आपने ऐड किया ना 11 प्लस 5 16, तो इसमें भी आप कैसे करेंगे, जो प्रेजेंट एज है उसमें आप ऐड करेंगे 5, तो यहां पे आप क्या नोट करेंगे, आफ्टर 5 इयर्स शोबूज एज विल बी वाई प्लस 5 इयर्स। ठीक है,
और शोबूज मदर से इज क्या होगी? सिक्स वाई था, सिक्स वाई प्लस फाइव। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपकी एज बढ़ जाए और आपकी मदर की एज उतनी रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप इंक्रीज करोगे तो दोनों में इंक्रीज करोगे, क्योंकि दोनों लिविंग है और दोनों के अंदर चेंज होगा फिर यर्स। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, शोबूज एज फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज के पांच साल बाद विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स एज, जो माँ की एज है उसकी वन थर्ड होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि वन थर्ड मीन्स क्या होता है? वन थर्ड मीन्स ये होता है वन बाय थ्री, ठीक है। अब आप जब वन थर्ड यानी ये डिवाइड में है थ्री, तो डिवाइड आप किधर करेंगे? माँ की एज में करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होगा, फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इसमें ये देखिए ये प्रेजेंट एज गिवन है आपको, अगर प्रेजेंट एज गिवन है तो आप प्रेजेंट एज के साथ कंपेयर करेंगे। मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? सिक्स वाई इक्वल टू, और इसकी शोबू की क्या होगी फाइव इयर्स के बाद? वाई प्लस फाइव। अब इसमें वन थर्ड बताइए आप किधर करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो वन थर्ड यानी आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने से कोई भी क्वांटिटी कम हो जाती है। कम किस में करोगे? मदर की एज में करोगे ना। अब तो ये मदर की एज है, इसका वन थर्ड करो यानी वन बाय थ्री। थ्री वन जा थ्री, टू जा ये क्या है आपके पास, टू वाई इक्वल टू वाई प्लस फाइव, दैट विल बी टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। सो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू फाइव, यानी प्रेजेंट एज ऑफ शोबू क्या आ गई? फाइव ईयर्स, और मदर की एज क्या होगी? सिक्स इंटू फाइव दैट इज थर्टी ईयर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन सेकेंड पार्ट आई विल ब्रिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।